वेलकम टू बाइक ऑप्टिमाइज। आज बाइक ऑप्टिमाइज की तरफ से आपका होस्ट एंड दोस्त शुभजीत इज हियर। तो आज आपके साथ बात करने के लिए मैं आया हूँ, तो ले लेते छोटा सा एक इंट्रो और इंट्रो के बाद और बात करते हैं। आज बाइक ऑप्टिमाइज की तरफ से मैं जो टॉपिक लेके आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है हीरो HF डिलक्स के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं हीरो HF डिलक्स के बारे में और जानते हैं इसके और भी डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन क्या है और हर एक स्टेट में कैसे कैसे प्राइस वेरिएंट है। तो चलिए जान लेते हैं हीरो HF डिलक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हीरो HF डिलक्स के डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। पहले ही बता देता हूँ इसका दो वेरियंट है, एक है हीरो HF डिलक्स i3s एंड हीरो HF डिलक्स IBS i3s। और इसका कलर वेरियंट है रेड, ब्लू एंड ब्लैक। और भी जानते हैं, चलिए तो चलिए दोस्तों चले आते हैं इसका ओवरव्यू एंड परफॉर्मेंस में। इसका इंजन टाइप है सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन। अब आ जाते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट में, 97.2 सीसी का ये इंजन है और मैक्स पावर मतलब BHP बेसिक हॉर्स पावर जो कहते हैं वो है 8.36 PS एट द रेट 8000 RPM तक। अब आ जाते हैं मैक्स टॉर्क पावर मतलब कितना टॉर्क मिलता है इसका इंजन पे, वो है 8.05 Nm 5000 RPM। अब आ जाते हैं माइलेज मतलब कितना माइलेज मिलेगा इस गाड़ी में, 82.9 KMPL माइलेज मिलेगा इसका। अब आ जाते हैं टॉप स्पीड पे, 85 km/h इसका टॉप स्पीड चल सकता है। तो दोस्तों अब चले जाते हैं ट्रांसमिशन पे। ट्रांसमिशन में इसका गियर है 4-speed ट्रांसमिशन, क्लच है वेट मल्टीपल क्लच एंड ट्रांसमिशन टाइप है मैनुअल। अब जान लेते हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल कैपेसिटी है 9.5 लीटर कैपेसिटी और रिजर्व में रहता है इसका 1.4 लीटर। फ्यूल टाइप है पेट्रोल जो सभी जानते हैं और फ्यूल गेज है एनालॉग। अब आ जाते हैं व्हील्स ब्रेक्स एंड टायर्स में। व्हील जो अलॉय है और व्हील साइज फ्रंट एंड रियर मिला के 18 इंच तक है। अब आ जाते हैं ब्रेक में, फ्रंट एंड रियर ब्रेक जो कि ड्रम है, फ्रंट ब्रेक का डायमीटर है 130 mm एंड रियर ब्रेक का डायमीटर है 110 mm। अब आ जाते हैं टायर पे, टायर टाइप है ट्यूब जो कि रेडियल टायर है। टायर साइज फ्रंट एंड रियर मिला के 2.75/18 तक है और टायर का प्रेशर आप फ्रंट का रख सकते हैं 25 PSI एंड रियर टायर का प्रेशर आप रख सकते हैं 28 PSI तक। अब जान लेते हैं इसका फीचर्स क्या है। फीचर्स है सिंगल सीट बाइक है ये और कूलिंग सिस्टम है इसका एयर कूल्ड, मतलब इतने प्राइस में कोई लिक्विड कूलिंग या ऑयल कूलिंग नहीं मिल सकता है आपको, एयर कूल्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। अब दोस्तों जान लेते हैं पूरे चेचिस्ट के डिटेल्स। तो चेचिस्ट है ट्यूबलर डबल क्रैडल चेचिस्ट है इसका और फ्रंट सस्पेंशन इसका जो है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम है इसका फ्रंट शॉकर और रेयर सस्पेंशन में है स्विंग आर्म विथ 2-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर आपको मिलेगा, मतलब कोई हाइड्रोलिक पे डिपेंड नहीं है इसका शॉक सिस्टम, टोटली ट्विन शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम है और बॉडी में आपको स्टिकरिंग मतलब ग्राफिक्स मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डायमेंशन के बारे में, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है। इसमें मैं आपको लेंथ हाइट विड्थ सबके बारे में बताऊंगा। इस बाइक का लेंथ है 1965 mm, हाइट है इसका 1045 mm, विड्थ है इसका 720 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सैडल हाइट मतलब सीट का हाइट ग्राउंड से सीट का हाइट 805 mm, कार्ब वेट टोटल बाइक का एक कार्ब वेट आता है वो है 109 kg, वेट कैरी कैपेसिटी मतलब आप हाईएस्ट कितना वेट कैरी कर सकते हैं उसका है 130 kg तक आप इसमें हाईएस्ट वेट कैरी कर सकते हैं। व्हील बेस है 1235 mm मतलब 1235 mm। तो दोस्तों समझे आप, अगर नहीं समझे तो दोबारा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं इसका वेट हाइट एंड लेंथ टोटल डायमेंशन के बारे में।
अब आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स पे। हेडलाइट इसका है हैलोजन बल्ब, टेल लैंप वो भी बल्ब है, और टर्न सिग्नल लैंप वो भी बल्ब ही मिलेगा आपको। बैटरी कैपेसिटी 12 वोल्ट 3 एम्पियर तक इसको मिलेगा, और बैटरी टाइप है मेंटेनेंस फ्री। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हर एक स्टेट में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, एक शोरूम प्राइस, आरटीओ और इंश्योरेंस कितना आएगा। पहले ही बता देता हूँ आरटीओ, इंश्योरेंस और एक शोरूम प्राइस हर एक स्टेट में अलग अलग सब वेरी करता है, तो वो सब मिला के हर एक स्टेट में कैसे ऑन रोड प्राइस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही बता देता हूँ एक शोरूम प्राइस, आरटीओ, इंश्योरेंस मिला के और अदर्स प्रॉफिट मिला के इस बाइक का दिल्ली ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 49,000 के आसपास, और मुंबई का प्राइस आ जाएगा 53,000 के आसपास, चेन्नई का प्राइस आ जाएगा 50,000 के आसपास, वो 50 से 51,000 के आसपास मान लीजिए। बेंगलोर में आ जाएगा 52 से 53,000 के आसपास, और कोलकाता में आ जाएगा 52 से 53,000 के आसपास। थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों चले आया हूँ एकदम आखिर में, जो है सेफ्टी फीचर्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसका ब्रेकिंग टाइप है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और स्पीडोमीटर का है एनालॉग, ओडोमीटर एनालॉग, फ्यूल गेज भी एनालॉग, कंसोल टोटली एनालॉग, 5 स्विच आपको मिलेगा और पैसेंजर फुटरेस्ट तो मिलेगा ही। तो दोस्तों बाइक के हर एक पार्ट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे पिछले हर एक वीडियो को देख लीजिए, आपको बाइक के हर एक पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज यही तक था, थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आज? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए, देन सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके नीचे में एक बेल आइकन आएगा उसको दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए चलने की इजाज़त लेता हूँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।